सुन गए लिया। एज लेने के बाद ये जरूरी इसलिए कि यहाँ पे वो सारी कमांड्स यहाँ पे भी आपको मिल जाए, ठीक है। जैसे कि आपने इंसर्ट वर्टेक्स वहाँ पे देखा, वही इंसर्ट वर्टेक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, देखिए वर्टेक्स सेट कर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप वर्टेक्स सेट करें तो प्रॉपर वर्टेक्स आपको ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सर, दूसरी कमांड है रिमूव, ठीक है। रिमूव क्या करता है सर, लाइक जैसे कि आपने एज लिया है ना, तो एज लेने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करो तो देखिए सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और सिलेक्ट होकर अगर आप इसको आपके दिमाग में क्या आएगा, इसको डिलीट करना है तो हम डिलीट बटन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब डिलीट बटन आप यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हॉलो हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन वर्टेक्स ऐसा नहीं, रिमूव ऐसा नहीं करता सर। रिमूव क्या करता है, जैसे आप रिमूव पर क्लिक कर रहे हैं, केवल एज को गायब किया वहाँ से सिलेक्ट किया, केवल एज को वहाँ से गायब किया, ठीक है। तो ये फायदे होते हैं इसके, इसको सिलेक्ट किया रिमूव, पूरे को पूरे कॉमन बना दिया, और कॉमन बनाना है यू कैन सेलेक्ट दिस एंड रिमूव, है ना सर। अब सर इसको एक्सट्रूड करना है तो पॉलीगॉन से एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक। तो हमने देखा कि किस तरह से इंसर्ट वर्टेक्स होता है, किस तरह से हमारा रिमूव होता है, हा? और अब इसके बाद यहाँ पे सर स्प्लिट कमांड होती है। स्प्लिट क्या करता है देखेंगे, स्प्लिट करने के लिए जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया सर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि किस तरह से रिंग बनाता है, तो ये रिंग इस तरह से बना दिया, ठीक है। और अगर यही चीज आपने इधर से सेलेक्ट करके आप लूप पे क्लिक किया, देखिए पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया आपका, ठीक है, चारों तरफ से हमारा लूप सेलेक्ट हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि ये डिब्बा जो है आपका दो पार्ट में खुल जाए, दो पार्ट में खुल जाए, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे आपको स्प्लिट पे क्लिक करना है, ठीक है, स्प्लिट पे क्लिक कर दिया सर। ये स्प्लिट हो गया, आपको दिखाई नहीं देगा कि स्प्लिट हुआ, ठीक है। स्प्लिट देखने के लिए आपको यहाँ पर एलिमेंट पे क्लिक करना है, जैसे आप एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के ये अलग हो गया है और ये अलग हो चुका है। अब जब इसको हमने अलेक्ट कर लिया तो इस तरह से हमने इसको ऊपर की उठा दिया, ठीक है, अब हमारा ये पूरा का पूरा उठ चुका है, और अब बहुत मजा आने वाला है सर। अब ये जब इसको हमने अलग कर लिया, अब देखेंगे सर नीचे तो अब कमांड्स के हमारे पास कई भंडार खुल गए, तो सेलेक्ट नहीं किया हमारा एजेस को, सॉरी एलिमेंट खुला था ना, तो एलिमेंट के कमांड्स खुल गया, हमें यहाँ पे एस लेना, अभी एस में पढ़ रहे हैं। अब देखिए सर हमारे पास ये रिमूव हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब एक्सट्रूड करना है तो यहाँ से सर एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन इस एक्सट्रूड में थोड़ी सी अलग तरीके का एक्सट्रूड होगा, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे देखिए क्या हो रहा है, इसको फैलाता है सर, ठीक है। तो ये देखिए फैला रहा है आपको इस तरह से, ठीक है, और इसको आप ये देंगे तो इसको थिकनेस देगा कि कितना आपको ऊपर से करना है, इस तरह का एक्सट्रूड इसका होगा, ठीक है। अगर नहीं करना है तो आप यहाँ पर दिए करना है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा एक्सट्रूड काम करता है सर। और एक्सट्रूड काम करने के बाद यहाँ पर दूसरी कमांड होती है बेल्ट, ये बहुत ही काम की चीज है। बेल्ट क्या करेगा, लाइक आपने जैसे कि एक वर्टेक्स यहाँ का सेलेक्ट कर लिया और एक वर्टेक्स यहाँ का सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इन दोनों को बेल्ट करना है, ठीक है। इन दोनों को बेल्ट करने के लिए यहाँ पर सर बेल्ट पैरामीटर होता है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे अब क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये जो है हमारा पैरामीटर 0.1 चल रहा है तो कनेक्ट नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको इतना बढ़ाएंगे जब तक कि वो मिलेगा नहीं उससे, ठीक है। देखिए जैसे बढ़ा दिया, देखिए तुरंत अपने आप उसको उसने मिला लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेल्ट कमांड को यहाँ पर यूज करते हैं, बस उतना ही बढ़ाने की जरूरत है जितने आपका ये काम हो जाए, ठीक है। जब तक नहीं काम हो रहा तब तक आपको ऐसे बनाना पड़ेगा और करने के बाद ओके कर दिया, जिस तरह से हमारे पास डिजाइन भी आ गई सर, ठीक है। अब इसी के जस्ट बाद एक टारगेट बेल्ट होता है सर यहाँ पे, ठीक है। टारगेट बेल्ट भी ऐसे होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ से आपको टारगेट बेल्ट लेना होता है, जिसको जिससे जोड़ना है, जैसे इसको इसको जोड़ना है इससे, तो आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करके इस पर ट्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये टारगेट आप उसको दिए और जहाँ पे इसको करना है करके प्रोसेस कर देंगे, क्लियर है सर, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टारगेट बेल्ट कैसे होता है, और ये आप देखना है हम लोग की एक्सट्रूड कैसे होता है, बेल्ट हमने देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि चैम्बर किस तरह से इस पर काम करता है, ठीक है। तो चैम्बर को काम करने के लिए कुछ एलिमेंट ले लिए, जैसे मैंने इसको सर कोई भी एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, या अगर आप अच्छा होगा कि आप इसको सेलेक्ट कर लो कॉर्नर का, तो यहाँ पे जब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको लूप बना दो तो और भी अच्छा होगा। लूप बनाने के लिए यहाँ पे लूप बना दिया, और अब चैम्बर बनाएंगे तो हमें दिखेगा कि चैम्बर हो रहा है। तो यहाँ पर हमने चैम्बर का स्केल लिया, और चैम्बर का स्केल लेने देखिए सर यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, चैम्बर आपने अब पता ही है कैसे होता है ना। अब देखिए चैम्बर इसने करने लगा, अब इसके चैम्बर में थोड़ी सी क्वालिटी है, ठीक है। जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये बढ़ेगा, ठीक है। और जब इसको इसको जब बढ़ाएंगे तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एजेस बनते चले जाएंगे, आपको देखिए कितना स्मूथ बनाने दे रहे हैं ना ये, तो इस तरह से एकदम स्मूथ बनाता चला जाएगा इसको, आपको जितना आपको जितना पॉइंट देंगे उतना बनता चला जाएगा सर।
ठीक है, तो ही हमने इस तरह से बढ़ाया इसको, और बढ़ाने के बाद यहाँ पे भी था इसका कुछ करके बढ़ाना होता है, इसका कुछ था वो होता है वो क्या ना होता है, ठीक है। तो इसको करके हमने यहाँ पे यस किया, तो यस करने के बाद देखा ये तो हॉलो ही कर दिया उसको, वो मैंने कोई कमांड चला दी इसमें, एक मिनट फिर से करते हैं उधर किया सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके फिर से हमने उस पेज यहाँ पर कमांड लिया, और यहाँ पर कमांड लेने के बाद क्या कर रहा है उसको, इसमें कोई कट की कमांड चल गई एक्चुअली, ओके यस ये थी। देखिए यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया था, तो अभी जैसे हम सेलेक्ट कर रहे थे तो क्या करना था उसको फॉलो कर देना था, इसकी वजह से हो रहा था, ठीक है। तो आई थिंक 17 में तो नए वर्जन से आया है, ठीक है। तो अभी इस तरह से हम लोग इसके अंदर जितना वर्टेक्स बढ़ाना बढ़ाना, अगर आपको काटने हो तो हमें ये देखिए अभी इसके ऊपर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैम्बर कमांड है ये यूज होता है, ठीक। अब चैम्बर कमांड के बाद अब और भी अच्छी कमांड है सर, और ये भी बहुत मजेदार है। यहाँ पर ब्रिज है, अभी हमने आगे देख रहे थे ब्रिज, तो हमने बोला पहले इस पर ब्रिज देखेंगे तो क्लियर होगा। तो यहाँ पर ब्रिज कमांड क्या करता है सर, इसे एक वर्टेक्स ये सेलेक्ट कर लिया और एक वर्टेक्स ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे ब्रिज कमांड को चलाओगे तो देखिए क्या हो रहा है, एक दूसरे को ज्वाइंट कर ले रहे हैं, ज्वाइंट कर लिया, ठीक है। तो अब जैसे किसी को भी जोड़ना है, दो को जोड़ना है, तो यहाँ से फर्स्ट को सेकंड में सेलेक्ट करिए, और जोड़ने के बाद इसको हमने यस कर दिया। अब इसमें दूसरी कमांड है सर कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट कमांड क्या करता है, कनेक्ट कमांड यहाँ पर जैसे कि लाइक ये आपका वर्टेक्स है, आप जो आपकी राउंड वाली स्टेयर होती है ऑफिस चेयर में देखा, ऑफिस चेयर में जो राउंड जो स्टेयर होती है वो सॉरी राउंड चेयर जो होती है, और राउंड चेयर में देखेंगे तो क्या बोलते हैं उसमें एजेस बने होते हैं ना, उसी तरह से अगर हमें इनके बीच में एजेस चाहिए, बीच में पार्टीशन चाहिए, तो क्या करें इसको और इसको सेलेक्ट कर दीजिए सर, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कनेक्ट कमांड को चला देते हैं, जैसे कमांड कमांड देखिए एक बाई डिफॉल्ट लिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो जैसे आपने एक को बढ़ाना स्टार्ट किया तो देखिए क्या हो रहा है, इसके एजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ाए हम जितना हमको बढ़ाना बढ़ा लिया। अब इसके फायदे क्या होते हैं सर, जैसे इसको कर लिया, अब इसके बाद जैसे आप इसमें एक्स्ट्रा कमांड चलाओगे और फिर इसको थोड़ा सा एक मॉडिफाई कर दीजिए, जैसे ऐसे एक्स्ट्रूड किया इस तरह से, और एक्स्ट्रूड करने के बाद इसमें हम लोग चला देंगे दूसरी कमांड है अपनी यहाँ पे, क्या नाम था इसका, नहीं आ रहा। इसको जैसे करेंगे ना सर तो ये इस तरह से, ये देखिए आपके जो आपके होती है ना देखते स्टेज में जैसे बने होते हैं ना स्टेज के अपने, इसमें उस तरह का ये चेयर का पूरा कपड़ा इसलिए बना देते हैं, ठीक। अब इसमें थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए बहुत से कमांड्स हैं सर है, ठीक है, और लाइक बहुत से कमांड्स इसके तो ठीक है। अब इसके एक और फायदे हैं सर, अगर आप ये तो हमने क्या करा था, आपने ध्यान से अगर देखा तो मैंने इसको और इसको सेलेक्ट किया था, दो मिनट के लिए मैं लाइक फिर से एक एज लेता हूँ यहाँ से और यहाँ तक, और ऐसे लेने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने ब्रिज कमांड को लगाया और अब की यार इसको यस करके मैंने इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया सर, ठीक है। इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे कनेक्ट कमांड चलाएंगे, ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस हो रहा है सर, ठीक है। इसको अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल बना रहा है, और इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, हॉरिजॉन्टल बना रहा है, ठीक है। इसमें भी वही काम होगा जो काम, इस तरीके से हम लोग ने देखा कि किस तरह से करते हैं क्रिएट सेप फॉर्म सेलेक्शन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा होता है, ये क्या होता है जैसे कि लाइक अभी हम लोग देख रहे थे कि इसे सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद सर अगर हम इसको लूप लगा रहे हैं इसमें, तो जैसे लूप को लगा रहे हैं, लूप पूरा लग गया, ठीक है। और इस लूप को लेने के बाद आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रिएट सेप फॉर्म सेलेक्शन कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा वहाँ पर एक सेप जनरेट कर देगा, ठीक है। अब जैसे इसको सेव को देखना है आपको, तो क्या करिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये देखिए आपको एक सेव बना के दे दिया सर इसने, ठीक है। अब इस सेव को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, सेलेक्ट करके राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्पलाइन, ठीक है। तो जैसे हम करेंगे तो इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपने अगर ध्यान से देखा तो सर जब मैंने इसको सेलेक्ट किया था, तो जब सेलेक्ट किया था और जब यहाँ पर हम कट कर रहे थे तो यहाँ पर दो पॉइंट मिलते हैं, एक मिलता है स्मूथ, एक मिलता है लीनियर, ठीक है। अगर आपने लीनियर किया देखिए तो क्या होगा, तो फिर जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और हटाएंगे तो एक लीनियर फॉर्म में मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। ये लीनियर मिल गया और ये आपका क्लियर हुआ सर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एडिट वर्टेक्स को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं।